हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि एक बोरी सीमेंट में कितना स्क्वायर फुट प्लास्टर होगा। आप इस वीडियो में पूरा जानकारी आपको मिलेगा। एक बोरी सीमेंट में कितना स्क्वायर फुट आपका प्लास्टर होगा, यानी दीवार कितना स्क्वायर फुट प्लास्टर आपका होगा। ठीक है, कितना स्क्वायर फुट दीवार प्लास्टर होगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे फेसबुक पेज आरपी कुशवाहा को फॉलो करें और इंस्टाग्राम आरपी कुशवाहा को फॉलो करके टेलीग्राम पे आरपी कुशवाहा को फॉलो करें और ट्विटर पे आरपी कुशवाहा को फॉलो करें। आप इस वीडियो में जानेंगे कि एक बोरी में कितने स्क्वायर फुट प्लास्टर होता है। आप समझ लीजिएगा, अगर आप एक टेस्ला सीमेंट डालते हैं तो उसमें अगर प्लास्टर करने के लिए आपको 5 टेस्ला बालू डालना पड़ता है, यानी रेता। एक टेस्ला सीमेंट अगर डालेंगे तो 5 टेस्ला रेता डालना पड़ेगा आपको उसमें, तब जाके ये प्लास्टर का माल आपका पूरा तैयार होगा। कई लोग तो आजकल तो नए में तो 1 टेस्ला में 4 टेस्ला बालू डालते हैं, मगर नियम तो अगर 1 टेस्ला में 5 टेस्ला सीमेंट डालना चाहिए। तो इसी तरह अगर एक बोरी में आपका 5 बोरी रेता लगेगा, ठीक है, तो इसका लमसम आपका प्लास्टर जो होगा, इसका लमसम प्लास्टर अगर हो जाएगा 120 से लेके 130 स्क्वायर फुट आपका होगा। 120 से लेके 130 स्क्वायर फुट। अगर आप मटेरियल जैसे कि आप कितने लोग 4 बोरी मगर 1 टेस्ला सीमेंट डालेंगे और 4 टेस्ला बालू डालेंगे तो वो तो थोड़ा मगर 100 से लेके 120 फुट तक आपका प्लास्टर होगा। उतना में जितना में ये अगर 1 बोरी सीमेंट और 4 टेस्ला मतलब 1 टेस्ला सीमेंट और 4 टेस्ला बालू डालेंगे तो आपका होगा 100 से लेके 120 फुट तक। अगर मान चलिएगा अगर आपका एक टेस्ला सीमेंट और 5 टेस्ला रेता अगर डालेंगे तो आपका एक बोरी में 120 से लेके 130 तक आपका स्क्वायर फुट आपका प्लास्टर होगा। ठीक है, ये देखिए प्लास्टर कर रहे हैं मिस्त्री। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक जरूर करें, कमेंट करें कहाँ आइए कैसा लगा, और भी अपना कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ राय सुझाव लेना है तो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।